हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और अच्छी जॉब के साथ मैं हाजिर हूं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें, उससे आपको नई नई जॉब की अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे। तो गाइस, हाई सैलरी वाली जॉब्स एक्चुअल में एक काफ़ी टाइम से जो है हम लोगों के पास हाई सैलरी वाली जॉब्स नहीं आ रही थी। पिछले लास्ट मंथ से जो है हेल्पर का जॉब्स आ रहा था, किचन का जॉब आ रहा था, पिकिंग का जॉब आ रहा था, कुल मिला के हेल्पर कैटेगरी की जो जॉब्स थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। आज की ये जॉब अपडेट होने वाली है हेल्पर का, और सॉरी हेल्पर का नहीं, आज की ये जॉब होने वाली है सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, जॉब होने वाली है सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की। बहुत ही अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी इसमें, बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा इसमें, प्लस बहुत ही अच्छा टाइमिंग रहेगा इसमें। गाइस, एक और बात, आप हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, उससे क्या रहेगा कि हम लोगों के पास में जो डेली बेसिस जो अपडेट रहती है, एक जॉब के रिगार्डिंग, दो जॉब के रिलेटेड में, वो सारी की सारी अपडेट आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। तो जल्दी से वो भी थोड़ा फॉलो कर लें, ताकि जो लोकल के कैंडिडेट्स जो लोकल में ऑलरेडी रह रहे हैं उनको वो जॉब अपडेट्स मिल सके और वो फोन कर सके। गाइस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जॉब होने वाली है, आज की जॉब वो जॉब होने वाली है सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की। अगर आपको एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी लाइन में, आप जो है सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का काम कर चुके हैं, या फिर आप पहले कहीं पर भी फील्ड का काम किए हैं, फील्ड का काम, फील्ड के रिलेटेड में काम, तो ये जॉब आपके लिए है, ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बताऊंगा कि इसमें टाइमिंग क्या रहेगी, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 6 से लगाकर 7 बजे तक। अब 6, 7, 8 भी हो सकता है, इसमें टाइमिंग एक्चुअल फिक्स नहीं रहता। रीजन ये रहता है कि आपकी जो शिफ्टिंग रहती है ना, वो शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आपका काम रहेगा, आप अपना काम खत्म कीजिए, घर जाइए। सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता दूं, ताकि आपका मन जो है खुश हो जाए कि क्या बात है सर, अच्छी सैलरी है इसमें। सैलरी रहने वाली है इसमें 25,000 लगा से 30,000, 25,000 से लगाकर 30,000 इसमें सैलरी आपको देखने को मिलेगी इस जॉब में। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है, और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी फील्ड का काम कर चुके हैं, जिसको इस फील्ड में नॉलेज है सिक्योरिटी फील्ड में, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले आओ पहले पाओ वाला रहेगा इसमें, जो पहले बंदा आएगा उसको पहले जॉब मिलेगी। दो राउंड में इंटरव्यू रहेगा, पहला टेलीफोनिक, आपको पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया जाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन जो रहेगा। सेकंड जो इंटरव्यू रहेगा एफ टू एफ रहेगा, फेस टू फेस रहेगा। उसमें आपको टिल अपडेट रिज्यूम जो है लेके आना पड़ेगा, आपने कहाँ कहाँ काम किया, किस किस कंपनी में काम किया, वो सारा का सारा अपडेट रिज्यूम में रहना चाहिए, वो अपडेट लेके आपको आना चाहिए ऑफिस में। ऑफिस में आएंगे, इंटरव्यू रहेगा, नेक्स्ट डे ही आपका ज्वाइनिंग रहेगा। आज आपने इंटरव्यू दिया, इवनिंग तक आपको अपडेट मिल जाएगा उसका कि आप सिलेक्शन हुए या नहीं हुए हैं, नेक्स्ट डे आपका ज्वाइनिंग रहेगा। सैलरी जैसे मैंने बताया आपको कि 25,000 से 30,000 देखने को मिलेगी इसमें, 25,000 से 30,000 देखने को सैलरी इसमें मिलेगी आपको। प्लस इसमें जो है पेट्रोल कन्वेंस, कंपनी आपको पेट्रोल कन्वेंस भी प्रोवाइड करेगी, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, दिन भर क्या क्या करते हैं और कौन से फील्ड में घूमते हैं, आपका जितना भी पेट्रोल इन्वेस्ट रहता है वो सारा का सारा खर्चा आपको पेट्रोल का जो है आपको कंपनी देगी। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, आप किस कैंडिडेट से बात करते हैं, कहाँ किसको क्या करते हैं, वो सारा का सारा मोबाइल जो है खर्चा आपको कंपनी देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी बेस के लिए। इसके अलावा इंश्योरेंस की फैसिलिटी, इसके अलावा ईएसआई की फैसिलिटी, और इसके अलावा
6 महीने में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इसमें, तो बहुत ही अच्छी बेनिफिट वाली जॉब है ये। जिस कैंडिडेट्स के अंडर में काफी लड़के हैं या फिर वो चाहे कि सर मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का काम कर चुका हूँ एक्स वाई जेड कंपनी में, मुझे वहां सूट नहीं हो रहा है या फिर मैं काम छोड़ चुका हूँ, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है, फोन कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। बाइक इसमें कंपलसरी होना ही चाहिए। बाइक इसमें चाहिए ही चाहिए, फील्ड वर्क है तो फील्ड वर्क के लिए बाइक मैंडेटरी है इसमें। कंपनी फर्स्ट इसमें जो है हिंदी वाले कैंडिडेट्स खोज रही है। अगर आप नॉर्थ इंडियन है लाइक यूपी बिहार असम उड़ीसा उस तरफ के हैं तो आपको पहले मिलेगा, या फिर आप अगर लोकल के भी हैं और आपको एक्सपीरियंस है फील्ड में, फील्ड का आपने काम कर चुका है तो आपको ये जॉब मिल सकती है। लोकेशन होने वाला है ये बनरगट्टा रोड, बनरगट्टा रोड में इसका ऑफिस है। आपके अंडर में एक से लगाकर 5 यूनिट के अंदर आपको जो है छोड़ा जाता है कि एक्स वाई जेड यूनिट आपको देखना रहेगा। अब उस यूनिट में एक्चुअल क्या है, क्या काम है, तो वैसे मैं बता दूं कि फील्ड ऑफिसर का जो काम कर चुका है कैंडिडेट उसको सारा का सारा नॉलेज रहता है। फिर भी मैं एक बता दूं कि आपका क्या काम रहेगा, शिफ्टिंग का काम रहेगा पहला, कि लड़के लोगों को शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग का मतलब समझते ना, शाम के टाइम और सुबह के टाइम दो टाइम जो है इन लोगों का शिफ्टिंग का काम चलता है, किसको कहाँ पे जो है छोड़ना ड्रॉप करना, किसको कहाँ से उठाना, लड़के कौन से पोजीशन पे कौन से पोस्ट पे जो है छोड़ना है, वो सब शिफ्टिंग का काम रहता है। 1 तारीख से लगाकर 10 तारीख तक जो है कंपनियों का बिल भेजना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो है अपना रोटा कलेक्ट करना है, रोटा बोला तो अटेंडेंस, कैंडिडेट्स जो है आपका अटेंडेंस कलेक्ट करना है, वो अटेंडेंस जो है कंपनी में सबमिट करना है, कंपनी से बिल लेके क्लाइंट को देना है। इसके अलावा फ्री टाइम में आप रहते तो ऑफिस में आइए, या फिर अपने फील्ड में रहिए, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट आता है तो नया कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, उसमें आपका कमीशन को भी देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें हार्ड वर्क नहीं है ज़्यादा, अगर आपका जो है फील्ड में नॉलेज है या फिर अगर आपके अंडर में कुछ लड़के हैं कि सर मैं ये काम कर चुका हूँ, मेरे अंडर में इतने लड़के हैं, मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ, तो वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए आउट ऑफ स्टेशन वाले सोच रहे हैं कि मैं बाहर से आके इस जॉब के लिए करूं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए। इसमें अपना खुद का रूम होना चाहिए, अपनी खुद की बाइक होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट चाहता है कि मैं सर ये काम कर चुका हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन से आना चाहता हूँ, तो आ सकता है, वो पीजी में रह सकता है, पीजी में रह के बाइक रेंट में लेके कर सकता है, क्योंकि सैलरी जो इसमें देखने को मिलती है 25 से लगाकर 30,000 तक देखने को मिलती है इसमें। तो आराम से एक नई मान के चलिए कि आपको एक पीजी का रेंट तो जो है 2,500 से चालू होता है, 2,500 3,000 5,000 6,000 मतलब जैसे आप पीजी सर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू यू आपके ऊपर। अब इसमें अच्छी अच्छी फैसिलिटी वाली पीजी भी रहती है तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा पीजी में जो स्टे करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। प्लस खाना खर्चे का मिला के चलिए कि आप जो है महीने का 2,500-3,000 जो भी है वो आपका, प्लस बाइक का खर्चा, तो एक नई मान के चलिए आपकी उसमें सारे में जो है आप 10,000 मान के चलिए खर्चा अपना। इसके अलावा आपका जो है 15,000 से 16,000 रुपए आपका सेव होता है, इजीली सेव होता है सब कुछ खर्चा निकाल के। तो गाइस ये आपके लिए फील्ड ऑफिसर की जॉब हमेशा की तरह ये फ्री जॉब रहने वाली है आप लोगों के लिए। इसमें ना कोई जॉइनिंग फीस है ना कोई जॉइनिंग चार्ज है। मैं जो है काफ़ी लड़के लोगों का हम लोगों के पास कॉल आता है कि सर एक्स वाई जेड कंपनी में हमको बुला लिया, रूम पर बिठा लिया और वहाँ भेज दिया, वहाँ से हम लोग कॉल करें फोन ही पिक नहीं कर रहा है, वो बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, अब वो बड़ा जॉब भी नहीं है, या फिर सर हम लोगों को जो बुला लिया, बुलाने के बाद बोल रहा है कि 3,000 दे दो, 4,000 दे दो, 5,000 दे दो, 1,000 रुपये दे दो, आपको 6 महीने में रिफंड होगा, आपका 1 साल में रिफंड होगा। और बोला क्या जाता है वीडियो में, सर फ्री जो बोलते हैं, रूम फ्री मिलेगा, खाना फ्री मिलेगा, फिर एंड में क्या बोलते हैं 3,000 दे दो, लास्ट में क्या बोलते हैं 1,000 दे दो। तो कहने का मतलब है कि मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप उनके जैसे में नहीं पड़े, नहीं पड़े, नहीं पड़े। मैं
ईच एंड एवरी वीडियो में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ कि भाई क्यों आप जो है पैसे वाले के जो है वहां चक्कर में पड़ते हैं, क्यों आप अपना 3,000 क्यों अपना अपना 1,000 रुपए खर्च करते हैं जब आपको फ्री जॉब मिल रही है ना। मैं बोल रहा हूँ कि इतने सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जो फ्री जॉब प्रोवाइड करते हैं बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के, बिना किसी ज्वाइनिंग चार्ज के आपको फ्री जॉब देते हैं। तो वहां पे जाइए ना, आप वहां पे पैसा देते हैं, पैसा फंसा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को कंपनी में कॉल करते हैं कि सर एक्स वाई जेड कंपनी ये है, एक्स वाई जेड एजेंसी जो फ्रॉड है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आप अपनी मर्जी से गए हैं, तो आप देखें। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इन लोगों से बचें। बहुत सारी कंपनियों में बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एजेंसी ऐसी रहती है जो फ्रॉड करती है लड़के लोगों के साथ में। ये हम नहीं बोल रहे, ये आप लोग खुद बोल रहे हैं। आप लोग जो हम लोगों के पास फोन करते हैं ना, तो जो आप खुद अपना जो है किस्सा सुनाते हैं, तो जाते ही क्यों हो वहां पे। तो गाइस रिक्वेस्ट आपकी उनसे बचें। आपको फ्री जॉब मिल रहा है, उनका जो है फायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें अगर आप यहाँ के हैं तो, क्योंकि उनको अगर जो है एक कुछ अच्छा जॉब मिल जाए, उनको कुछ और अच्छा हेल्प मिल जाए, तो आपके लिए हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप ये फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करें, और कुछ भी डाउट है तो कॉल करें। कॉलिंग का टाइम हमेशा की तरह हम लोगों का 10 बजे से लगाकर 5 बजे ही है, इसके बाद में कभी भी कॉल नहीं करें। संडे सैटरडे फोन नहीं करें, संडे सैटरडे जो आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शाम के 5 बजे से लगाकर रात के चाहे 11 बजे कीजिए या 12 बजे कीजिए, आपको जो व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई मिलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना कभी न भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ नई जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।